आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बहुत ब्रेकिंग न्यूज ये कि यूक्रेन का सेंट पीटर्सबर्ग में ड्रोन अटैक, ऑयल टर्मिनल पर ड्रोन हमले का दावा किया जा रहा है। रूस का हमले को नाकाम करने का दावा भी सामने आया है, यानी दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, यूक्रेन का ड्रोन अटैक का दावा तो रूस का हमले को नाकाम करने का दावा। लेकिन ये हमला सेंट पीटर्सबर्ग में किया है, यूक्रेन ने दावा किया है। ब्रिटेन की नौसेना के पूर्व प्रमुख लॉर्ड वेस्ट ने कहा है कि दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। उन्होंने कहा है कि ये वर्ल्ड वॉर III का प्री वॉर मोड है। रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया मिलकर किसी भी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं और देखते ही देखते दुनिया के 12 से ज्यादा देश बारूदी आग में झुलसने लगेंगे। यूरोप में विश्व युद्ध का डर फैलता जा रहा है और जंग छिड़ने की सूरत में लोग धरती पर सबसे सुरक्षित जगहों के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं। अगर विश्व युद्ध छिड़ा तो कौन कौन से देश सुलगेंगे और कौन कौन से देश सबसे सुरक्षित रहने वाले देश होंगे, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। धरती तीसरे विश्व युद्ध के बहुत करीब पहुंच चुकी है। यूरोप से भारतीय उपमहाद्वीप और हिंद प्रशांत क्षेत्र तक युद्ध की चिंगारी भड़कने की पूरी आशंका है। इस वक्त दुनिया में एक साथ कई वॉर फ्रंट खुल चुके हैं। यूरोप में रूस यूक्रेन की जंग जारी है, अरब में इजराइल वर्सेज ईरान की जंग चल रही है। इजराइल युद्ध चलते यमन, लेबनान, इराक और सीरिया में बारूद बरस रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में ताइवान और चीन के बीच तनाव सबसे डरावने मोड़ पर है। ठीक इसी वक्त नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान के साथ जंग छेड़ने की तैयारी कर चुका है। धरती की सबसे विनाशक घड़ी कभी भी आ सकती है। इसकी चेतावनी नाटो और ब्रिटेन दोनों जारी कर चुके हैं। सवाल यह उठ रहा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू होता है तो क्या हो? विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे विध्वंसक युद्ध साबित होगा। एडवांस तकनीक और फ्यूचर वेपन्स के साथ यह जंग लड़ी जाएगी। आशंका है कि युद्ध की चपेट में आने से यूरोप और चीन की 99% आबादी मारी जाएगी। विध्वंस के बाद धरती पर भयंकर अकाल से सबसे ज्यादा लोग मारे जाएंगे। अमेरिका से एशिया तक धरती के 5 महाद्वीपों तक जंग फैल जाएगी और इसका एपिसेंटर यूरोप हो सकता है। रूस यूक्रेन से शुरू होकर तीसरा विश्व युद्ध जर्मनी, पोलैंड, इटली, स्वीडन, ईरान, लेबनान, इजराइल, सऊदी अरब, पाकिस्तान, भारत, चीन, ताइवान, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया तक फैलने की आशंका है। रूस अमेरिका पर भी परमाणु मिसाइलों से हमले कर सकता है, यानी जंग से अमेरिका भी अछूता नहीं रहेगा। जंग के
डर से लोग इंटरनेट पर धरती की सुरक्षित जगहों की तलाश कर रहे हैं और अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता है तो धरती के सबसे सुरक्षित हिस्से और देश कौन से होने वाले हैं, रक्षा विशेषज्ञों ने इसकी लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है फिजी। प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया से 4350 किलोमीटर दूर इस क्षेत्र को सबसे सुरक्षित माना गया है। दूसरे नंबर पर है फिजी के उत्तर में तुवालू द्वीप समूह। यहाँ प्राकृतिक संसाधन नहीं है और कोई देश इस क्षेत्र पर कब्जे के लिए जंग नहीं लड़ना चाहेगा। तीसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड दुनिया के विवादों से अलग है। चौथे नंबर पर है आइसलैंड। ये ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे ऊपर है और दुनिया के सभी देशों से कटा हुआ है। अर्जेंटीना को भी इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। इसका फसल उत्पादन मांग से ज्यादा है, जो अकाल की सूरत में जिंदा रहने के लिए सही जगह है। दक्षिण अमेरिका का चिली भी इस तीसरे विश्व युद्ध से अछूता रहने की उम्मीद है। स्विट्जरलैंड ने भी विवादों से दूरी बनाकर रखी है और इस देश पर भी हमला होने की उम्मीद बहुत कम है। भूटान की निष्पक्षता के चलते उसको भी सुरक्षित देशों की सूची में रखा गया है। पश्चिमी देशों से भी दूरी बनाने वाले साउथ अफ्रीका को भी निष्पक्ष मानकर लिस्ट से बाहर रखा गया है। डेनिश ऑटोनोमस आइलैंड देश ग्रीनलैंड पर भी हमला होने के आसार कम माने गए हैं। तीसरे विश्व युद्ध से दुनिया की इन जगहों को अछूता माना गया है, लेकिन एटमी आग धरती के किस किस हिस्से पर क्या असर डालेगी, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष।